हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में, हाउ टू चूज अ गुड डोमेन। देखो, आप अपने डोमेन नेम के बारे में क्या सोचते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली आपका डोमेन नेम आपके बिजनेस के की है, इट कैन मेक और ब्रेक और बिजनेस। इसलिए बिजनेस के लिए एक अच्छा और ब्रांडेड डोमेन नेम चूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डोमेन नेम इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, डोमेन नेम आपके बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन है। क्योंकि आपका जो यूआरएल है उस पर जब कोई विजिटर आता है वो पहले सबसे पहले आपके यूआरएल को देखता है। सेकेंडली, एक गुड डोमेन नेम कैन मेक ए पॉजिटिव एंड लास्टिंग इंप्रेशन। एक अच्छा डोमेन नेम जो होता है एक पॉजिटिव और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है आपके विजिटर्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है, इट इफेक्ट्स एसईओ, यानी कि ये आपके एसईओ को इफेक्ट करता है। आपके डोमेन नेम के अंदर आपका बिजनेस का कीवर्ड ऐड है तो आपके एसईओ को इफेक्ट करता है। इट डिफाइंस योर ब्रांड, एक होता है कि ये आपके ब्रांड को भी डिफाइन करता है। यानी कि एक अच्छा डोमेन नेम आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ये आपके बिजनेस के एसईओ को इफेक्ट करता है और साथ में ये आपके ब्रांड को भी डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ चूजिंग अ डोमेन नेम, देखिए कुछ फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने बताए हैं आपको, जो डोमेन नेम आपको चूज करने से पहले आपको देखने चाहिए। पहला होता है use.com.org.net। देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि अगर हो सके तो मोस्ट प्रोबेबली .com के साथ जाएं, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 43% डोमेन के साथ .com एक्सटेंशन ऐड है और ये स्टिल सबसे बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा, ये फैमिलियर भी है, इजी टू रिमेम्बर है, तो अगर हो सके तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे .com के साथ ही जाएं। बाकी सेकेंडरी आप भी उनको भी आप ले सकते हैं, चाहे .org हो, .net हो, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन आपको बताए थे मैंने, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, ब्रांडेबल ओवर जेनरिक। देखिए, ब्रांडेबल और जेनरिक में डिफरेंस क्या होता है? एक जो ब्रांडेबल डोमेन नेम होता है यूनिक होता है और आपके ब्रांड को डिफाइन करता है, जबकि जो जेनरिक डोमेन नेम होता है उसके अंदर काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन होता है और बिजनेस के नेम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि आपका डोमेन नेम ये है या ये है, जबकि ब्रांडेबल में क्या होता है कि आपके माइंड में वो छप जाता है। जैसे कि amazon.com ई कॉमर्स वेबसाइट है, amazon.com, flipkart.com, snapdeal.com, इनके जो जितने भी डोमेन नेम्स हैं सारे ब्रांडेबल हैं, जेनरिक नहीं है। चलो मैं आपका एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक जैसे कि एक वेबसाइट है healthinsurance.com, ठीक है, और सेकंड वेबसाइट है newhealthinsurance.com। क्या आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? केवल न्यू का डिफरेंस है, यानी कि लोग उसमें कंफ्यूज रहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस मेन है या न्यू हेल्थ इंश्योरेंस मेन है। कंपेयर टू अगर मैं आपको बोलता हूँ कि insurance.com, ये भी थोड़ा सा जेनरिक नेम ही है क्योंकि इंश्योरेंस के ऊपर ही आता है। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इससे बेटर भी एक डोमेन और है, एक नेम और है, जैसे कि unitedhealthcareonline.com या hdfcergo.com, ये क्या है? ये ब्रांडेबल चीजें हो गई, जेनरिक में नहीं है, ये ब्रांडेबल हो गए। तो आपको चूज करना कि जेनरिक में जाके ब्रांडेबल के साथ जाएं और अपना एक यूनिक नेम खुद का ब्रांड का डिफाइन करके उसके नेम पे आपका डोमेन नेम चूज करें, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, शॉर्टर इज बेटर। शॉर्टर इज बेटर, यानी कि छोटा जो डोमेन नेम है बेटर है कंपेयर टू लॉन्ग डोमेन नेम के। यानी कि आपको जब भी कोई डोमेन यूज करते हैं आप उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करेंगे, ना कि लॉन्ग टेल। ये कीवर्ड के पार्ट में आपको बताऊंगा मैं भी आगे। शॉर्ट टेल का मतलब होता है कि बहुत छोटा, मैक्सिमम डोमेन आपका होता है करीब करीब 6 to 14 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। इसके बीच ही आपको लेना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा जो डोमेन नेम है imti.online, ठीक है, इसमें करीब करीब 10 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है ecreator.in, ये भी छोटा है, ठीक है। तो आपको छोटे डोमेन नेम से जाना, ना कि आपको बहुत लंबा डोमेन नेम लेना है इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट .com। डिफरेंस देखा आपको नजर आया, ये काफी पूरा लंबा नाम है इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये शॉर्ट टेल हो गया imti.online। तो आपको शॉर्टर नाम लेना है, इजी टू रिमेम्बर रहता है, ब्रांडेबल पे जाना है, ना कि काफी लंबा एक कीवर्ड डाल के आप उसको अपना डोमेन नेम बना ले, क्योंकि इसको टाइपिंग करने में काफी मिस्टेक होती है। तो हमारा अगला पॉइंट भी इसी के ऊपर है, इजी टू टाइप। कि डोमेन नेम जो है आपको ऐसा चूज करें कि एक तो इजी टू टाइप हो, आराम से उसको टाइप कर सके, और इजी टू स्पेल भी हो, यानी कि उसको जो स्पेलिंग है वो इजी हो, जैसे कि yahoo.com, google.com, ठीक है, facebook,
.com या twitter.com, मतलब जो भी आपने नाम सुने हैं सब में शॉर्ट, एक तो छोटे हैं, इजी टू स्पेल है और बहुत ही इजी टू टाइप है, यानी कि बहुत लंबे आपको डोमेन नेम दे दिया, आप उसको टाइप कर रहे हैं, आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आपको डोमेन नेम जो आपको बनाना है बहुत ही सिंपल वे में बनाना है, शॉर्ट बनाना है, ब्रांडेड बनाना है, यानी कि जितने भी डोमेन नेम सारे ब्रांडेड हैं, google.com, facebook.com भी सब ब्रांडेड है, जेनरिक नहीं है, और इजी टू स्पेल भी है, इजी टू टाइप भी है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है हमारा इजी टू प्रोनाउंस। डोमेन नेम ऐसा रखिए कि उसको कोई भी व्यक्ति आराम से प्रोनाउंस कर सके, बोल सके, ऐसा ना हो कि उसको बोलने में दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। जैसे yahoo.com, google.com, facebook.com, twitter, insta, जितने भी डोमेन नेम्स है सारे के सारे इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू स्पेल है, शॉर्ट है। अगला आता है अवॉइड हाइफंस एंड नंबर्स, यानी कि अगर सपोज करो ये डोमेन नेम होता फेसबुक हाइफन, सॉरी अगर ये डोमेन होता फेस हाइफन book.com तो कैसा रहता, शायद इतना पॉपुलर नहीं हो पाता क्योंकि इसके अंदर बीच में हाइफन आ रहा है, लोगों को टाइपिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती, ठीक है। या आपका डोमेन नेम होता गूगल web.com, लंबा भी हो गया बीच में हाइफन भी आ गया। या आपका डोमेन नेम होता फेसबुक हाइफन 1001 या 2 या 3, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आती, तो सिंपल आपको डोमेन नेम लेना है कि आपको डोमेन नेम भी कुछ सिंपल लेना है, आपको उसके अंदर कोई भी नंबर यूज नहीं करने हैं, कोई भी हाइफन यूज नहीं करने हैं, मोस्ट प्रॉब्लम हो सके तो .com के साथ जाएं, सेकेंडली ब्रांडेबल के साथ जाएं, थर्ड शॉर्टर हो, लॉन्ग ना हो, इजी टू स्पेल हो और इजी टू प्रोनाउंस हो, और उसमें नंबर हाइफन यूज नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है डोमेन नेम के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट आपका कंसीडर यूजिंग ए कीवर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स योर डोमेन, योर वेबसाइट, योर बिजनेस, ठीक है। तो आपको उसके अंदर कीवर्ड यूज करना है जो आपके बिजनेस को, आपके वेबसाइट को कंसीडर करके रखी जाए, जो आपकी वेबसाइट को बिजनेस को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि इसमें हम यूज करते हैं कीवर्ड्स का, बट ऐसे भी नहीं कि आपको जनरिक कीवर्ड डाल देने हैं जिसमें ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स पर रन कर रही है, रैंक कर रही है, एसईओ कर रही है और आपने भी उसी पर बना दिया, तो आपको उसमें रैंकिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो आपको अपने डोमेन में जो कीवर्ड यूज करना है थोड़ा बहुत सोच समझ के करना है, ऐसा अकॉर्ड ना लगे कि वो आपका जेनरिक में चला जाए। जैसे आपको मैंने आपको बताया था कि जेनरिक में के हिसाब से आपको काम नहीं करना है, ब्रांडेबल काम करना है, बट ऐसा भी चूज कर सकते हैं कि आप में उसको आपका कीवर्ड के अंदर आ जाए और अकॉर्ड ना लगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है थिंक लॉन्ग टर्म ओवर शॉर्ट टर्म, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से डोमेन नेम सर्च करना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। इसका रीजन ये है, जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं, तो क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को जब गूगल पे लेके आते हैं तो आप उस पर काफी सारा काम करते हैं, पैसे भी लगाते हैं उसके ऊपर, मेहनत भी करते हैं, उसका एसईओ भी करते हैं, बट अगर पता लगे आपने डोमेन लिया और आपने 2 साल के बाद उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लिया, तो 2 साल तक आपने बिजनेस के ऊपर जो मेहनत की है, जो आपका कीवर्ड के बेस पे आपका डोमेन रैंक हुआ है, वो फिर आपका वहां से हट जाता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चलना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको लेके नहीं चलना है। अगला पॉइंट आपका आता है चेक इफ इट्स नॉट ट्रेडमार्क्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी कोई डोमेन चूज करते हैं, डोमेन चूज करने से पहले आपको चेक करना होगा कि किसी का कोई ट्रेडमार्क इस नाम पे तो नहीं है, क्या उसका बिजनेस इस नाम पे तो रन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में इसको चेक नहीं करते हैं और बाद में आपका वेबसाइट, आपका डोमेन रैंक होता है, थोड़ा फेमस होता है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको लीगल एक्टिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसे नाम से दूर रहना है जो किसी का ट्रेडमार्क है, क्योंकि आपको आगे जाके लीगल इश्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो किसी का ट्रेडमार्क है, इसको चेक करने के लिए वेबसाइट है trademark.justia.com, या आप सोशल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उस नाम से किसी का कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा है। अगला पॉइंट है यूज डोमेन नेम जेनरेटर व्हेन स्टक, यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डोमेन लूं, क्या किस तरह बनाऊं, क्या डोमेन डालूं और कैसे सर्च करूं, तो उसके लिए आप डोमेन नेम जेनरेटर पे जाके, वहां पे जाके अपना कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं कि उसके उसमें क्या होगा कि आपके रिलेवेंट डोमेन नेम आपको सर्च करके दिखा देगा, जैसे कि लीन डोमेन सर्च और वर्डोइड, इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं आपको किस तरह का डोमेन नेम बनाना है, ठीक है। तो टोटल हमारे 10 पॉइंट है इसके ऊपर, इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से, कि पहला तो ये है कि आपका जो डोमेन नेम है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपके एसईओ को रिफ्लेक्ट करता है और ये आपको आपके ब्रांड को डिफाइन करता है।
ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि डॉट कॉम आपको चूज करना है, ब्रांडेबल पे जाना है ना कि जेनरिक पे जाना है, जितना छोटा डोमेन नेम होगा उतना बेस्ट रहेगा, इजी टू स्पेल हो, आराम से स्पेलिंग हो सके, उसको टाइपिंग हो सके, उसको प्रोनाउंस कर सके, यानी कि तीन पॉइंट आते हैं स्पेल, टाइप और प्रोनाउंस। अगला है हाइफन और नंबर यूज नहीं करने हैं आपको, ठीक है, और कंसीडर यूजिंग कीवर्ड, आपको कीवर्ड के बेस पे ऐसा बना, अगर आप या देखो दो तरीके हैं, या तो ब्रांडेड बना लीजिए या कीवर्ड बेस पे बना लीजिए जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। तो अगर आपको दोनों ही मिक्स होकर मिल जाएगी, ब्रांडेड भी बन रहा है कीवर्ड भी बन रहा है, फिर तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगला है लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचें, और ट्रेडमार्क को जरूर चेक करें, किसी का ट्रेडमार्क तो नहीं है, किसी का ब्रांड तो नहीं है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लीन डोमेन सर्च पे जाकर आप वहां जाके चेक कर सकते हैं अपना कीवर्ड डाल के कि आपके लिए कौन सा डोमेन परफेक्ट है। डोमेन नेम को चूज करना आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डोमेन नेम आपके बिजनेस का एक नेम है जो आपके बिजनेस को प्रेजेंट करेगा, तो इसलिए डोमेन नेम जब भी सोचें तो बहुत सोच समझ के अपना डोमेन नेम सर्च करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।